प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 8 से लेकर 11 तक हम वचन पढ़ेंगे। स्मरणा की कलिसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। आज हम प्रकाशित वाक्य में से वचन को हम देखते हैं। प्रेरित योहन्ना के लिए पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी बातों को यहाँ प्रकट किया है। इस किताब भविष्यवाणी का किताब है, बहुत बात इसमें से छिपा हुआ है। आज इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहें। आज यहाँ हम देखते हैं 7 कलिसिया के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। 7 कलिसिया में क्या क्या कमी है, क्या क्या बात अच्छा है, परमेश्वर को प्रसन्न किया है, हर एक बातों को विवरण से यहाँ लिखा है। आज हम देखने वाले हैं स्मिरना कलिसिया के बारे में। आज हम देखेंगे इस कलिसिया परमेश्वर से डांट नहीं पाया। देखिए बाकी कलिसिया 7 कलिसिया में 2 कलिसिया स्मिरना कलिसिया और फिलाडेल्फिया के कलिसिया को भी परमेश्वर ने डांटा नहीं है। उस कलिसिया के बारे में अच्छे शब्द को बोला है। बाकी कितना पेरगमोस कलिसिया है और एफेसो कलिसिया है, उनके बारे में उसमें ये क्यों कमी है, ये जो तुम लोग कर रहे हैं ये बात हमें अच्छा नहीं है करके परमेश्वर ने वहाँ उनको बताते हुए हम देखते हैं। इन दोनों कलिसिया परमेश्वर के मुंह से डांट नहीं सुना, एक अच्छा कलिसिया है। आज उसमें से वो कलिसिया के बारे में, वो कलिसिया क्या क्या कष्ट सहा है करके हम देखने वाले हैं। आज स्मिरना करके ये शहर है, ये कहाँ पर रहता है करके हम देखेंगे। तो एफेसो शहर के बाजू में, उसके उत्तर दिशा में इस शहर थोड़े दूर में रहता था। आज इस शहर तुर्की देश में रहता है। आज दूसरे नाम से इज्माइर करके उस नाम से उस शहर को बुलाते हैं, लेकिन पहले उस शहर का नाम स्मिरना था। उस नाम के अर्थ ग्रीक भाषा में बोलते हैं सफेद गेंद करके बोलते हैं, एक खुशबूदार सेंट ऐसे करके उनके बारे में उस नाम के लिए वही अर्थ है। फिर और भी एक बात लिखा है, अर्थ है, एक सेवक लोग ऐसे बोल रहे हैं क्लेश उठाने वाला है करके, उस स्मिरना का अर्थ ही वही है। यहाँ हम देखते हैं इस शहर में बहुत बहुत अपने काम से भरा हुआ एक शहर था। इस शहर में मेडिकल में, साइंस में इस शहर बहुत आगे था करके भी लोग बता रहे हैं। ऐसे शहर में इस कलिसिया रहता था। तब यहाँ रहने वाले रोमी लोग, रोमन्स लोग और यहूदी लोग यहाँ रहते थे। तब इस समय में हम देखते हैं इसमें जो जो लोग यहूदी लोग में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उन लोगों को वहाँ बहुत बहुत सताया गए थे रोमन्स लोगों के द्वारा। जो लोग यहूदी बोलते हैं लेकिन वो लोग यहूदी नहीं है, वो लोग शैतान का सभा में थे, ऐसे करके यहाँ वचन में लिखा है। ऐसे लोगों के द्वारा इन लोग बहुत उपद्रव क्लेश परीक्षा में लोग जाना पड़ा। तब ऐसे समय में परमेश्वर इस कलिसिया को कैसे, उस कलिसिया को उत्साहित करते हुए हम देखते हैं, क्योंकि कलिसिया वहाँ हम देख रहे हैं पूरा लोग एक रक्त गवाही बनकर वो लोग मर रहे हैं वहाँ, प्रभु के नाम के निमित्त लोग वहाँ मारते हैं, लोग पूरा गले काटा जाता है, वहाँ आग जला दिया जाता है। इतना उन लोगों को सताते थे, इतना लोगों को जीवन को लोग लेते थे, इसलिए रक्त गवाही बनकर लोग मरते थे। ऐसे ही जगह पर
यीशु ने कैसे उन लोगों को अपने आप को प्रकट करते हुए अपने बारे में बताते हैं करके हम देखते हैं। यहाँ यही वचन प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में भी है, यहाँ भी है, हम देखते हैं। मैं जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है करके यहाँ हम देखते हैं। वही वचन को हम पहला अध्याय में भी, हम 17 वचन में हम देखते हैं, 17-18 में। अब देखिए, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है करके अभी यीशु ने इस बातों को कहा। हालेलुया, आज हमारे लिए कितना आशा दिलाता है। वैसे ही वहाँ लोग मर रहे हैं, उस कलिशिया में लोगों को रथ गवाही बनकर लोग मर रहे हैं, ऐसे लोगों को बीच में इस वचन उनको आशा दिलाया, मैं मरा, मैं जीवित हो गया, युगानुयुग में जीवित रहने वाला हूँ, मृत्यु का अधोलोक का कुंजिया मेरे ही पास है, सांप को मैं छीन लिया है, अभी मैं जा पाया हूँ। आज यीशु मसीह जीवित हो गया, आज भी वो जिंदा है, आज हम जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, इसलिए हम नहीं डरना है। जो भी संकट में, उपद्रव में, क्लेश में लोग जा रहे हैं, यहाँ इस कलिशिया वाला, स्मिरना कलिशिया वाले जा रहे थे, उनको यीशु ने बताया, आपको मैं जानता हूँ करके, तुम जो जो परीक्षाओं में आप लोग जा रहे हैं, सब बात मैं जानता हूँ करके यीशु ने बताया। वो लोग, वो कलिशिया बहुत, वहाँ उस शहर के बारे में हमने देखा, कितना पूरा धन से, आशीष से भरा हुआ शहर था। ऐसे ही सिटी में रहने वाला इस कलिशिया कैसे रहता है, आर्थिक आशीष में बहुत दरिद्रता में रहता था, लेकिन आत्मिक आशीष में लोग बहुत धनवान थे। इन लोग परमेश्वर का प्रेम में बहुत धन पाए हुए लोग, स्वर्गीय धन से भरे हुए लोग थे, लेकिन दुनिया के धन इनके पास नहीं था, क्योंकि वहां बोल रहे हैं इतिहास में, ऐसे सेवक लोग बता रहे हैं, वहां जो जो लोग धनवान भी हो, जो लोग यीशु मसीह को अगर स्वीकार किया है, तो वो रोम साम्राट ने आकर वो लोग क्या करते हैं, पूरा उनका धन को, उनका घर मकान जो भी जमीन सब छीन लेते हैं, उनको ऐसे ही दे छोड़ देते हैं, दरिद्र कर देते हैं। तुम यीशु को विश्वास किया ना, इसलिए तुम ऐसे रहना चाहिए करके इतना उन लोगों को अपमान किया, क्लेश सताया, कितना परीक्षा किया, लेकिन उस परीक्षाओं के बीच में भी उन लोग प्रभु से भरे हुए थे, प्रभु का प्रेम से भरे हुए थे, जीवित परमेश्वर को लोग आराधना करते थे, इसलिए इनका विश्वास में लोग मजबूत होकर इन लोग परमेश्वर का आराधना करते हुए खुशी खुशी के साथ इन लोग मरते थे करके बता रहे हैं। मृत्यु का समय में भी इनका मुंह में कुछ भी ऐसे एक मृत्यु का डर नहीं था, इतना उन लोगों के अंदर एक आनंद, क्योंकि उनको पता है हम यहाँ मरेंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम युगानुयुग रहने वाला, हमारा परमेश्वर के साथ हम जाकर रहने वाले हैं करके लोग बहुत आनंद के साथ, अब खुशी खुशी के साथ वो लोग गीत गाते हुए इन लोग मरते थे करके यहाँ बता रहे। ऐसे ही मृत्यु को देखकर भी बहुत लोग विश्वास किया है करके भी हमको हम पढ़ते हैं। देखिए, शैतान सोच रहा है लोगों को हम नाश करेंगे, प्रभु का राज्य बढ़ना हम बंद करेंगे करके आप लोगों को द्वारा परेशान करता है, उसको बंद कराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहां ही प्रभु का बढ़ोती है। यहाँ हम बोलते हैं इतिहास में उस समय 5 करोड़ लोग, 5 बिलियन लोगों को मार डाला, लेकिन उसी समय बहुत लोग यीशु मसीह को विश्वास किया। ऐसे ही मृत्यु का समय लोग डरते हैं, जरूर डरेंगे ना, अरे क्या इतना हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो हमें भी मार डाल देंगे करके, लेकिन वहां लोग ऐसा नहीं हुआ, लोग विश्वास करने लगा। देखिए, यीशु मसीह का जीवन एक इंसान के अंदर है, तब वहां से हमारा पास्टर जी हर बार ऐसे ही बोलते हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह का जीवन है तो हम कितने भी दबाए जाएंगे, हम कितने भी दुख उठाएंगे, तो भी हमारे अंदर से क्या आना चाहिए, जीवन की खुशबू आएगा, हमारे अंदर यीशु मसीह है, वो जीवन हमारे अंदर है, तब हमारे अंदर से जीवन की खुशबू आएगा। इस कलिशिया को स्मिरना के नाम है,
सफेद गेंदे वो सेंट जीवन की खुशबू फैलाया, इसलिए लोग उस खुशबू के पास आया। दूसरे लोग भी उस समय उद्धार पाए, लेकिन उस समय मार भी डाल रहे थे जगह पर, उद्धार भी लोग पा रहे थे। बहुत खुशी खुशी के साथ लोग मर रहे ना, उसको देखकर लोग भी आश्चर्यचकित हो गया, यीशु कैसा है, ये कौन है, ये किसके लिए लोग इसे मार रहे है, ये कैसा है करके। देखिए हमारा यीशु जिंदा है, वो पुनर्थान के सामर्थ्य उन लोगों को इतना हिम्मत दिया, इसलिए वो लोग विश्वास के साथ अपना जीवन को भी समर्पण किया। इसलिए आज हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं यहूदी लोग बोलते हैं, लेकिन वो लोग यहूदी नहीं है, शैतान का शबा में है करके। उन लोग यहूदी लोग ऐसे ही उन लोग सोचते थे, हम यहोवा का है, हमारा ही परमेश्वर यहोवा है, ये लोग सब मसीह को मानने वाले हैं, इसलिए हम इन लोगों को मार डाल के हम खत्म करेंगे, तब यहोवा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे करके लोग सोचते हुए। और लोग सोचा हमारा इस क्रिया के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करते करके उन लोग ने सोचा, लेकिन उनका क्रिया के द्वारा लोग शैतान को लोग महिमा किया, परमेश्वर को लोग अपमान किया, निंदा किया, परमेश्वर का जनता लोग यीशु मसीह को जो लोग विश्वास करते उन लोगों को तो लोग इतना सताया, परीक्षा किया। तब वो लोग किसको परीक्षा किया, अपना परमेश्वर को परीक्षा किया, ऐसे लोग है। इसलिए परमेश्वर यहाँ बोलते हैं, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य दूसरा का नौ दस वचन में हम देखते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। अगर देखिए परमेश्वर हमें हर सब कुछ वो जानता है। अगर परीक्षाओं में आज आप लोग भी प्रभु के नाम के निमित्त, उनके वचन के निमित्त आपको दुख उठाना पड़ता है, आपको लोग आपको निंदा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे परीक्षाओं में हम जाने के समय बहुत समय ऐसा हमारा मन में आता है कि प्रभु ये सब देखते हैं क्या, प्रभु हमारे साथ है क्या, प्रभु जानता है क्या, ऐसे हमारा मन में एक सवाल उठता है। लेकिन इस वचन के आधार पर हम देखते हैं, मैं जानता हूँ, प्रभु जानता है, प्रभु हमारे साथ ही है, वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन हमें वो स्वीकार किया, हमारे ऊपर वो प्रेम किया, उस प्रेम का सामर्थ्य से आज हम जय पाना है सारा उपद्रव क्लेश दरिद्रता के ऊपर। जैसा पौलुस ने रोमियो 8 का 35-36 में लिखा है, वैसे हम भी जय पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, मैं जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हें परीक्षा कराने वाला को भी मैं जानता हूँ। आप सोचते हैं या कैसे कैसे लोग हमें निंदा कर रहे, अपमान कर रहे, प्रभु का नाम को ऐसे ही तुच्छ मान रहे करके आप सोचते होंगे, प्रभु इनको कुछ भी देखते नहीं है क्या, कुछ भी, सब कुछ प्रभु जानता है, आपको हानि होने नहीं देंगे, आपका जीवन में नष्ट होने नहीं देंगे, प्रभु आपको संभालते हैं, प्रभु आपको पूरा पूरा छुड़ाने वाले हैं। जैसा हम पुराना नियम में हम देखते हैं सात्राक मेशाक आबेदनेगो दानियल का दोस्तदार है, वो तीनों को वहां मूर्ति रखा गया, वो तीनों को लोग बोले हैं, राजा बोल रहा है इसके सामने तुम दंडवत करो करके, लेकिन उन लोग ने क्या किया, हम नहीं गिरेंगे क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते हैं करके। उन लोगों को पता है हमारा परमेश्वर जीवित है, आज हमें भी विश्वास ये होना चाहिए, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मरा जी उठ गया, वो मरा तीसरा दिन जी उठ गया, आज भी वो जिंदा है, वो युगानुयुग रहता है, प्रथम और अंतिम वही है, युगानुयुग रहने वाला है, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। यह हम वो लोग बोल रहे हैं, अगर हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर अगर हमें छोड़ भी देंगे, लेकिन हम इसके सामने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे करके उन लोग ने खड़ा रहा। तब क्या उनका परमेश्वर ने नष्ट होने दिया क्या, उन लोग ने सोचा पूरा इसको आग का पट्टी पर डालो, इसको मार डालो करके पूरा हाथ पाव को बांध कर उनको वहां लेके गया, डाल दिया। लेकिन वहां क्या हुआ, परमेश्वर आया उन लोगों को बीच में, यीशु मसीह उनके साथ रहा, उनको बचाया, बाहर आया, उन लोगों को कुछ भी हानि नहीं हुआ, सब अच्छी तरह से उन लोग आया, उनका ऊपर आग का स्मेल भी नहीं आया, क्योंकि इनके अंदर कैसे स्मेल है, जीवन की खुशबू है, वो मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ सुगंध सामर्थ इनके अंदर कार्य कर रहा है। तब कैसे ही वो लोग मृत्यु का आग का स्मेल कैसे इनके ऊपर आएगा, वैसे आज भी हमारे अंदर भी वो जीवित सामर्थ कार्य कर रहा है, पुनर्थान के सामर्थ आज मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जैसा स्मिरना कलिशिया के विश्वासी के अंदर था, वहां
परमेश्वर ने बोला, मृत्यु तक तुम विश्वास रखो, विश्वास योग्य रहो। सच्चाई परमेश्वर है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी हमें नहीं त्यागेंगे। इसलिए हम भी छोड़ना नहीं है, विश्वास को छोड़कर हमको पीछे हटाने के लिए, पीछे हटने के लिए शैतान हमें ऐसी परीक्षाओं में लेके आता है। कभी भी देखिए, हमारे परमेश्वर परीक्षा नहीं कराते हैं। आज हम ऐसे परीक्षाओं में, हम प्रभु का प्रेम में, प्रभु का प्रेम का सामर्थ्य में हम प्रकटीकरण पाकर हम खड़े रहेंगे। जरूर हमारे लिए जीवन की मुकुट रखा है, हम उसको पाएंगे। जैसा हम देखते हैं याकूब 1:12 में हम उस वचन को पढ़ेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर हमारा परमेश्वर परीक्षा करना कराने वाला नहीं है, परीक्षाओं में से हमें छुड़ाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं परीक्षाओं में स्थिर रहने वाला के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, जीवित जीवन का मुकुट आज हमारे लिए मिलेगा। आज जो भी परीक्षा जीवन में हो रहा है, प्रभु के नाम के निमित्त, उनके वचन के निमित्त, लेकिन हम अंत तक, मृत्यु तक हम उस विश्वास को हम पकड़े रखना है, प्रभु का प्रेम में बने रहना है। कैसे हम पकड़ के रखेंगे? प्रभु का प्रेम का सामर्थ्य में हम और भी मजबूत होना है। जैसे संकट में प्रभु का निकट आना चाहिए, हम प्रभु का प्रेम में जितना हम जड़ पकड़ते हैं उतना हर परेशानियों के ऊपर हम जा पाएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है। जैसा यहाँ पौलुस ने रोमियो 8 में बताया है, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली बेड़ों के समान गिने जाए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु हमसे प्रेम किया है, उसका प्रेम से हम जीवन से भी बढ़कर है। हम सब बातों में हम जा पाएंगे, उपद्रव, क्लेश, दरिद्रता, निंदा, अपमान जो भी आएंगे हमारे सामने, हर बातों में हम हमसे प्रेम करने वाला से हम जीवन से भी बढ़कर है। इसलिए आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को, उनका प्रकटीकरण को हमको पाना है। हर दिन उसका प्रेम, कितना महान प्रेम है, उस सामर्थ्य में, उस विश्वास में हमें मजबूत होना है। हर बातों में हम जा पाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे इस प्रेम को समझेंगे, जरूर वो ये नहीं कहेगा परीक्षा मुझे प्रभु देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर परीक्षा देने वाला नहीं है, किसी को भी वो बुराई से परीक्षा नहीं करता है। यही यहाँ याकूब 1:13 में हम पढ़ते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहो कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी को भी परीक्षा करने वाला नहीं है, परीक्षाओं से छुड़ाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कितने लोग, दानियल का दोस्तदार कैसे परीक्षाओं में उलझ गया, लेकिन प्रभु उनको छुड़ाया। प्रभु छुड़ाने वाले हैं, हमें बचाने वाले हैं, हमें संभालने वाले हैं। हम क्या करना चाहिए? हम मृत्यु तक हमारा विश्वास को हम बने रखना है, हमारा विश्वास में हम मजबूत रहना है, विश्वास को हम छोड़ना नहीं है। प्रभु का प्रेम में हम और भी मजबूत होते हुए हर परीक्षाओं में हम जा पाएंगे। यहाँ आप सोचते हैं, प्रभु मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं है क्या, मैं ऐसे परीक्षाओं में जा रहे करके, वो शैतान का झूठ है। उस झूठ के ऊपर आप जा ही पाना है, प्रभु मेरे साथ है, हमें परीक्षाओं में मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं त्यागेंगे। प्रभु मुझे, मेरे लिए प्रतिफल देने वाला हर बातों को वो जानता है। आपका अगर आप बाहर के रीति से लोग आपको, अब जो भी कर रहे हैं, लोगों के सामने अगर प्रकट नहीं होता होगा, लोग आपको अलग करते होंगे, लोग आपको उसको आदर नहीं करते होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर आपको जानता है। आपके अंदर अंदर चुप चुप के से आप जो भी क्रिया कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप प्रभु का नाम का निमित्त दुख उठा रहे हो, प्रभु का वचन के निमित्त, उसके उसके ऊपर रखा हुआ विश्वास के निमित्त जो भी आप क्लेश उठा रहे हो, हर बातों को प्रभु जानता है। हर बातों के लिए प्रतिफल देंगे। आप विश्वास को पकड़े रखिएगा।
यहाँ उसके बाद हम देखते हैं दुख का परीक्षाओं का पीछे कौन रहता है, शैतान रहता है। इसलिए आपका जीवन में भी लोगों के द्वारा आप निंदा अपमान ऐसे गाली लोग बोल रहे होंगे, आप उनको नफरत मत कीजिए। उनका पीछे जो क्रिया कर रहा है वो शैतान को नफरत कीजिए, वही ऐसे काम करता है। परीक्षा लोगों के द्वारा उनको लेके आता है, लोगों को हथियार बनाता है। जो लोग उनका वश में आ जाते उनको हथियार बना देता है। उन लोगों के द्वारा हम निंदा सहते तो हम सोचना है ये लोग नहीं है, एक एक परेशानी के पीछे शैतान रहता है, क्योंकि वो परीक्षा कराने वाला है करके हम देखते हैं। लेकिन हमारा यीशु परीक्षाओं में से छुड़ाने वाला है, मृत्यु से जय पाया, आज भी वो जीवित है। युगान युग मैं रहता हूँ, आज हमारा परमेश्वर जिंदा है। आज वो पुनर्थान के सामर्थ हमारा हर एक के अंदर कार्य करता है। आज उसका प्रेम का सामर्थ से हम हर बातों में जा पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं एक वचन को, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा करके यहाँ बताते हुए हम देखते हैं। 10 दिन तक क्लेश करके वो यहाँ लिखा है, मतलब वो बोल रहे हैं रोम साम्राट जो भी ऐसे ही उसका 10 लोग राज्य करते थे, 10 राजा लोग, उनका समय में उन लोग बहुत और भी सताया गया, और भी क्लेश उठाना पड़ा। ऐसे समय में भी तुम स्थिर रहो करके परीक्षाओं के बीच में आप लोगों को जाना होगा, लेकिन मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मैं मृत्यु के ऊपर जय पाया हूँ करके वहाँ यीशु ने बताया। ये 10 दिन मतलब वो 10 राज्य को बता रहा है, 10 लोग वहाँ, 10 राजा लोग, वो 10 सम्राट के द्वारा आप लोगों को जो भी दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी विश्वास रखो, डरो मत करके वहाँ पवित्र आत्मा बताया है, कलिशिया को बता रहा है। इसलिए जो कान है वो सुन लो, आज भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। हम भी उनका वचन को सुनते हुए हर दिन उनके आदिन में रहते हुए हम शैतान के ऊपर जय पाना है। परीक्षाओं में हम गुजरने का समय, परीक्षाओं में जाने का समय हम प्रभु को निंदा नहीं करना है, प्रभु को छोड़कर हम नहीं जाना है, प्रभु का प्रेम में और भी हम निकट आना है। यही है जरूर, हम जीवन की मुकुट को हम पाने वाले हैं, हम दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी करके लिखा है। हम जय पाए हुए लोग दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी करके लिखा है। 2 मृत्यु है, एक शारीरिक अनुसार होने वाला मृत्यु है, दूसरा मृत्यु है वो आत्मिक मृत्यु है, वो परमेश्वर से हमें दूर कर देगा, युगानुयुग वो हमें दूर कर देता है। लेकिन ऐसे मृत्यु में जो भी यीशु मसीह को विश्वास किए हुए लोग, परमेश्वर में नया जन्म पाए हुए लोग जरूर उस मृत्यु में नहीं होंगे, हम बच जाएंगे, हमें हानि नहीं होगा, हम जा ही पाए हुए लोग। यहाँ लिखा है, यहाँ हम एक डीएल मुड़ी करके एक सेवक है वैसे ही बता रहा है, जो एक बार जन्म होता है वो दूसरा बार अगर वो जन्म नहीं होगा जरूर उसको 2 मृत्यु है। अगर जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है उसको एक ही मृत्यु है करके लिखा है, मतलब दूसरे 2 बार जन्म कैसे लेंगे। हम प्रभु में नए सिरे से जन्म लेने के बारे में वो बताया है, प्रभु यीशु में हम नए सिरे से जन्म लेना, हम 2 बार जन्म लेते हैं, ऐसे उसी को अर्थ को वो बता रहा है। हम नए सृष्टि है, यीशु मसीह में हम नए सिरे से जन्म लिए हुए लोग, हम दूसरे मृत्यु में हम नहीं जाएंगे, हम युगानुयुग हम प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ उस रिश्ता में हम जुड़े रहेंगे। युगानुयुग हम उनका साथ हम बने रहेंगे, कितना प्रेमी रिश्ता हमको मिला है। इसलिए आज ये शैतान हमें इस रिश्ता से, इस अनंत काल के जीवन से हमें नाश करने के लिए वो आता है। इस परीक्षाओं में हम जा ही पाएंगे जरूर, हमको जीवन की मुकुट को हम पाकर हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहने वाला मृत्यु के ऊपर जा ही पाया, वही यीशु मसीह के साथ हम जीवन बिताएंगे, हम अनंत जीवन हम पाए हैं। इसलिए हमारे लिए अनंत काल का मृत्यु नहीं है,
हमारे लिए प्रभु बचाया है, हमारे लिए अनंत जीवन दिया है, इसलिए हम प्रभु के साथ उसका प्रेम में हम बने रहेंगे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष किया है करके मैं विश्वास करती हूँ हमारे द्वारा जीवन की खुशबू फैलेगा। जैसा हमारा सेवक ऐसे बार बार बताते हैं, जितने भी हम दबाए जाएंगे तो भी हमारे द्वारा जीवन की खुशबू आएगा, क्योंकि हमारे अंदर जीवन का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आज इस वचन के द्वारा हमारा हर एक से बात किया, हमें प्रभु आशा दिलाया। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए और भी इस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, आपका सामर्थ आपका प्रेम से हमें और भी भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।